दूसरा है सत्य, और इस सत्य को लेकर भी बहुत भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हर किसी को लगता है कि मेरा सत्य दूसरे के सत्य से भिन्न है। और यहां पे भारतीय संस्कृति में भी दो प्रकार की चीजों की बात दर्शन में की गई है, एक है सत्य और दूसरा रित, और इन दोनों के बीच में हमें भेद जानना चाहिए। थोड़ी सी दार्शनिक बात है, उदाहरण के तौर पर यदि मैं पूछूं कि अभी समय क्या हो रहा है तो आप बोलेंगे 9:45। यदि यही प्रश्न मैं आपसे 15 मिनट के बाद पूछूं तो आप बोलेंगे 10 बज गए हैं, मेरा प्रश्न वही था परंतु आपका उत्तर बदल गया है। और इसलिए इसको हमारे यहां कहा जाता है सत्य, जो कि बदल सकता है समय युग काल के साथ। लेकिन एक होता है रित, जो कि निर्विवाद है। यदि हम बोले कि सूर्य कहां से उगेगा तो वो पूर्व से ही उगेगा, और इसलिए उसको रित माना गया है। तो हालांकि सत्य के पहलू हो सकते हैं, लेकिन सत्य का अर्थ गांधी जी के जीवन में क्या था? जब उन्होंने सत्याग्रह किया, सत्य का आग्रह किया, तो वो सत्य क्या था? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सत्य का मतलब है जो बोलो वो करो, वॉक योर टॉक एंड दैट इज स्पीकिंग द ट्रुथ। हमारी भारतीय संस्कृति इससे दो कदम और आगे जाती है और बोलती है मनसा वाचा कर्मणा, जो सोचो वो बोलो और जो बोलो वो करो। से वॉट यू मीन एंड डू वॉट यू से, एंड दैट टू मी लेडीज जेंटलमैन इज द मीनिंग ऑफ रियल ट्रुथ। व्यक्ति जो बोलता है वो करना उतना मुश्किल नहीं होता। हो सकता है कि जब आरंभ में आप जो बोल रहे हैं वो भी करें, उसमें बाधाएं आए, लेकिन निरंतर प्रयास करने से व्यक्ति किसी भी चीज की सिद्धि पा सकता है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। हम तो जड़मत की बात कर रहे हैं, यहां पे तो सब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सब यहां पे बुद्धिमान हैं। इसलिए निश्चित रूप से ये प्रयास करिए कि आप जो सोचे वो बोले और जो बोले वो करे। और जो दूसरा पहलू भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन बताता है कि जो भी सोचे बोले और करे वो सबकी प्रसन्नता के लिए हो, ना कि आपकी स्वयं की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो। किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं हो रही है, किसी एक समुदाय विशेष के बारे में बात नहीं हो रही है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर कलेक्टिव, बट वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सैलिटी। हाल ही में 4-5 दिन पहले मैं कोपेनहेगन में था, और वहां पे जो विकसित देश के लोग आए थे वो पूरी कॉन्फ्रेंस थी एनवायरमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पे, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो जब भी इस सब की बात आती है तो लोग बोलते हैं कि भाई इंडिया का कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है, तो मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि प्लीज लुक एट पर कैपिटा कार्बन एमिशन, डोंट लुक एट ओवरऑल कार्बन एमिशन। ओवरऑल कार्बन एमिशन में हम नंबर 3 हो सकते हैं, पर कैपिटा कार्बन एमिशन में हम नंबर 133 हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है वो हमेशा इस बात पे आधारित रही है कि हम कम प्रयोग कैसे करें, दुरुपयोग को कैसे कम करें। हमने हमेशा विश्व के बारे में सोचा है, और वहां पे मैंने वसुधैव कुटुंबकम की भी बात की, और वो इसलिए की क्योंकि बहुत सारे देश बोलते हैं कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हैं, और मैं उनसे जब पूछता हूं कि आपका प्लास्टिक है कहां, तो वो थोड़े निरुत्तर होकर इधर उधर यत्र तत्र देखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्लास्टिक वियतनाम में पड़ा हुआ है, उनका प्लास्टिक श्रीलंका में पड़ा हुआ है, और हम इस पूरी पृथ्वी को अपने घर जैसा मानते हैं, और इसलिए हम ये मानते हैं कि यदि आपने कूड़ा एक कमरे से निकाल करके दूसरे कमरे में रख दिया तो आपका कमरा साफ नहीं हो गया है। आपने अपनी ही पृथ्वी को, अपने ही कलेक्टिव को बहुत संकुचित बना दिया है।